शकुनी मामा हम जा रहे हैं हवा महल। नहीं भैया तू मुझे 200 रुपए देगा अभी। अब मैं तुझे हाफ रेट में सारा घुमाने वाली हूँ। हाँ ये इधर वाली मार्केट है, इसमें पी लेना है बाहर। ठीक है मैम, ओके थैंक यू भैया। 200 रुपये लूंगी। कितने बोले थे उसने? 400 ऑफिशियल फीस। तो 200 रुपये मेरी फीस होगी। ठीक है सर, ये है हवा महल। आप जाके गूगल इसकी स्टोरी सर्च कर लेना। मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगी वहाँ पे। हमें ज्ञान चाहिए मेरी। हाँ, हमने फोटो खींचनी है। बस आप लाइव महल देख के जाइए यहाँ पे। हमें फोटो खींचनी है। एंट्री यहाँ पे, वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट है इसकी। यस, फ्री में तो कुछ भी नहीं दिखता। कितना लोगे? कितना लोगे? 400 रुपये आप लेते हो, 200 रुपये में आप घुमा दोगे। आपकी वजह से मेरे 100 रुपये और कम हो गए। देख अब तेरे को 100 रुपये मिलेंगे। शिट यार भैया, मेरा बिजनेस क्यों खराब कर रहे हो? मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? मेरे को पहले तो जानना है हवा महल की कमेटी से। हाँ 52 रुपीज की जो टिकट है, ये 2 रुपए का क्या हिसाब है? तो 50 रुपए लो या तो 60 रुपए लो। 2 रुपए समझा कर यार, 4 रुपए में बहुत कमाई है 4-4 रुपए के। ठीक है, सब कुछ तो हिस्ट्री में मिल जाता है। हिस्ट्री में मिल जाएगा अंकल सब कुछ। इन लोगों को जो वीडियोस भी देखेंगे उनको भी मुझे लग रहा है हिस्ट्री हवा महल की नहीं पता होगी। मुझे भी नहीं पता है, बस थोड़ा बहुत पता है। हाँ यार, गूगल बाबा जिंदाबाद। जितना टाइम ब्लॉगर्स की वीडियोस देखने में लगा दो, उतना गूगल करके रिसर्च भी किया करो चीज़ों के बारे में। तेरी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। नाइस, झूमर वगैरह सब कुछ व्यू है। सिर्फ व्यू है। तो हवा महल नहीं, हवा महल है तो हवा में बना हुआ है, इसीलिए हवा महल है। वैसे देखा जाए जेन्युइन, अगर बात बोलूँ तो कितने लोग बार बार यहाँ आके वीडियोस बनाते हैं, बार बार वही चीज़ देखते हैं। और जो लोग अभी देखेंगे भी ना, जो 5-6 लोग मेरी देखेंगे वीडियो, ऑलरेडी हवा महल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स देख सकते होंगे। मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और सब यही करते हैं। और आजकल के लोग ऐसे सोचते हैं कि आए तो कुछ बना लो यार, देख ही लोगे आप। तो मेरा फ्रेंड अभी आया है, तो उसको लग रहा है कि बहुत टाइम बाद हम लोगों ने चिड़िया बोलती आवाज सुनी है। लेकिन तू पंजाब के खेतों में भी सुनता है? नहीं, पंजाब के खेतों में चिड़िया नहीं है। वाइब है वो वहाँ की नहीं है। नहीं, खेतों सुनो, खेतों वाला वाइब अलग है, ये शहर वाला वाइब के साथ चिड़िया ऑथेंटिक। तो यहाँ पे वो ऑथेंटिक चीजें मिल रही हैं। मुझे बना के रानी यहाँ रख दो यार, मैं रह लूंगी, रह दूंगी, मुझे छोड़ दो यार। समय चल, कितनी अच्छी जगह है ना। अभी चारों तरफ देख पहाड़ ही पहाड़, चिड़िया ही चिड़िया, एवरीथिंग। अभी सबसे अच्छी चीज और दिखाती हूँ। सी भाई, मत करो प्लीज मत करो, क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा? इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ आप घूम जा सकते हो, टूरिस्ट प्लेस है। क्या है डस्टबिन? स्कूल जाके आओ यार। क्या मांग रहे हैं अभी? ये नीचे छाछ वाले खड़े हैं, ये 2 गिलास। तेरे बाप का महल है ना ये? हाँ, तेरे बाप का महल है ना ये? देखो देखे यहाँ से हवा महल के अंदर तुम राज है। कैमरा हैंडलिंग के लिए सॉरी। जहाँ से रानी बाहर के दर्शन, मतलब पूरा दिन महल में इंसान क्या कर सकता है, मैं भी घर में नहीं पूरा दिन रह सकती। तो रानी यहाँ से लोगों को बाहर अपनी, उसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं जो लोग रहते थे पहले, दासियां, क्या प्रजा, प्रजा, यस। अभी प्रजा को यहाँ से देख रही, सॉरी मैं थोड़ी हिंदी के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। अभी रॉक गिन्नी शौक, हाइट भी देखो इसी के जितनी है, किसकी, तेरी और ये महल के खिड़की के दरवाजे की। ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ही बना था, मैं बहुत सालों पहले मर गई थी, अब मेरे आते हूं यहां पे इसलिए बार-बार मेरा पुनर और नहीं क्या था पुनर्जन्म, हां पुनर अभी मैं बहुत एक ब्लॉग और मेरे बना था जब मेरे फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर आई थी तब भी मैं यहां आई थी, ये मेरा सेकंड टाइम है क्योंकि अब तो मैं आई हूं चंडीगढ़ से, बट यहाँ पे मैं लिटरली जब आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं यहीं पे रहती थी पहले, अब मुझे तलाश है उस पुनर्जन्म वाले राजे की जो मुझे मिलने रहा है, वो मिलेगा भी नहीं। ओह मेरी किस्मत, तुम फील यहाँ पे आके चलना बहुत पड़ता है चलने की, अरे भाई सॉरी वो हाथी वगैरह वो सब जो भी था ना, हाथी वगैरह रथ वगैरह घोड़े, वो एक्चुअली क्या है ना कि अब ट्रैफिक बहुत हो गया ना तो उनको मैंने छुपा दिया, कहीं हाँ खजाना मैंने अपना कहीं छुपा दिया है, मैंने कहा इस जन्म में काम नहीं आएगा, इस जन्म में काम आएगी BMW Mercedes Range Rover। ओ भाई आजकल की जनरेशन के हाल देख लो भाई, जनरेशन के हाल, तू भी उसी जनरेशन की है मुझे बोल रही है, नहीं मेरे अंदर पुरानी महारानियों की आत्मा है ना, हर महादेव, हर हर महादेव, इन्होंने अपनी वो लगा ली है, समाधि होती है ना, सॉरी समाधि क्या बोलते हैं, सीट पकड़ लिया, स्थान प्राप्त कर लिया, स्थान बाबरी उठ यहाँ से चलो 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 चला रहे हो ना, सेवा भी उतनी करवाऊंगा देखना, रात को पैर दबाऊंगा, अच्छा जूते चप्पल चलाऊंगी तो देख, रात को पैर दबाएगी तो कुत्ता, दोस्त आया ना तो फिर वो करियो, चंडीगढ़ से आया मेरा दोस्त, ओ बाजू वो जो वहाँ नीचे मैंने बोला था वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, और देखो लुक एट दिस प्लेस, ब्यूटी ऑफ राजस्थान, और लोग क्या कहते हैं छी यार, चल 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 चल, इतनी पतली पतली गलियां बना रखी है, ऑफकोर्स क्योंकि इतना चलते थे तो कैसे मोटर, सामने से भी आ रहे हैं, हमें नीचे उतरना पड़ेगा भैया, आपको रुकना चाहिए था ना, ट्रैफिक ऑलरेडी लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम भी ऐसे कर रहे हैं देख लिया, दो मोटे बंदे फंस जाएंगे, मेरे जैसा कोई और मोटा आ गया वो तो फंस गया, तू मोटा कहां है आए, अभी जयपुर में कौन का ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे होता है क्योंकि जीरकपुर दूसरा, चंडीगढ़ दूसरा हमारा, चंडीगढ़ में फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं है, कितना मुझे तो सच में मुझे कोई गिफ्ट कर दो हर हवा में, मैं शादी कर लूँगी, क्या हो गया ना अभी मैं थक गई हूँ तो मैं बता नहीं पा रही हूँ, कितने साल पुराना महल है, अभी मुझे पूछ रहे हैं कि कितने साल पुराना महल है, सौर पे कैंसल इसके गाइड के, सौर पे कैंसल, डूड अभी मैं मूड में नहीं हूँ बताने के, मैं नीचे जाके बताती हूँ, मेरी गर्दन काट दी, I'm a very bad bad camera है, हाँ, आज की बार अगर आप हवा महल आओ ना कभी भी तो इसका नाम सैमी है ना, सैमी, सैमी इज वेरी इनोसेंट, से हाय सैमी, हम लोग टैटू कैफे में और हम इतना थक गए हैं, पैर ऐसे दर्द हो रहे हैं, इसलिए अभी हमने ठंडा पानी पिया है और फिर हमें लाइम सोडा मंगाया है यहाँ का, जयपुर अभी ने तो बोला है कि यहाँ का स्पेशल जयपुर स्पेशल लाइम सोडा, और उसके बाद चाय भी हम जाएंगे जयपुर बेटा, क्योंकि वन ऑफ कोई आ गया
से मुझको, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है तो वो जयपुर बेटा मिल गया आफ्टर ऑफिस हमें, सो फिर थोड़ा चिल आउट करेंगे और फिर रात में हम घर जा के सो जाएंगे, बट वी आर वेरी टायर्ड नाउ। गर्लफ्रेंड तो अभी हम जयपुर बैठे हैं और मैं चाय अगर पिलाऊंगी ना तो बहुत अच्छी सी पिलाना, बहुत अच्छी सी, क्योंकि हम थक गए हैं सुबह, कड़क एकदम कड़क बिल्कुल सर। तो ये जो आप लोग स्टाफ के लिए बनाते हैं ना एकदम स्ट्रांग वाली, बिल्कुल कैफे टैटू का मतलब क्लाइंट वाली ना पिलाना, मस्त वाली पिलाना। यस भैया आ हा चीयर्स अभी कल हमें लेकिन जाना है गोविंद जी वाले मंदिर। सो अब कुछ दिनों तक जब तक मेरा फ्रेंड है तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आएंगी, पड़े रहो मेरी सारी वीडियोज़ में ऐसे।